So, जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम है वही आपकी हेल्थ की गारंटी देती है, बट ऐसा कुछ नहीं है. देयर आर सो मेनी इनएक्सपेंसिव आइटम्स आउट देयर दैट आर गारंटिंग गुड हेल्थ, बेटर हेल्थ देन द वन दैट आर बीइंग सोल्ड एट अ हायर प्राइस. सो आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशनल लेबल की, कैसे आप न्यूट्रिशनल लेबल को रीड कर सकते हैं एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू शुड सी व्हेन यू आर बाइंग एनी पैकेज्ड और पैक्ड प्रोडक्ट. मेरा नाम है नैंसी, आई एम अ फिटनेस एंथुजियास्ट एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड मैं वीडियोस बनाती हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एज वेल एज एक्सरसाइज. सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ टूडे विच इज हाउ टू रीड अ न्यूट्रिशनल लेबल. तो अब बात आती है कि अब एक प्रोडक्ट के अंदर आप क्या देखेंगे और उसे कैसे पहचानेंगे इफ इट इज बेटर फॉर योर हेल्थ और नॉट. सो व्हेन यू आर पिकिंग एनी प्रोडक्ट रादर देन गोइंग ऑन द फ्रंट पैकेज वेयर इट इज रिटन इट इज लोडेड विद प्रोटीन, इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, नो, जस्ट फ्लिप इट ओवर, रीड टू थिंग्स ओनली, इंग्रीडियंट लिस्ट एंड द न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन. द फर्स्ट थिंग यू शुड लुक इन अ प्रोडक्ट इज द इंग्रीडियंट लिस्ट. जो इंग्रीडियंट लिस्ट है वो आपको बताएगा कि वेदर और नॉट आपका प्रोडक्ट हेल्दी है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसमें कितनी कैलोरीज है. सो इफ यू आर बाइंग समथिंग से अ फ्रूट जूस, यू विल हैव टू सी कि उनके उसके इंग्रीडियंट्स में जो है फर्स्ट थ्री इंग्रीडियंट्स में क्या वो चीज आ रही है, जिस चीज को वो पैकेज क्लेम कर रहा है कि वो रिच है उस चीज में, इज इट अवेलेबल इन द फर्स्ट थ्री इंग्रीडियंट्स ऑफ द प्रोडक्ट. If it is not, then it is a sham. So you should just move away from that item. अब हमारी बात आती है second point पे, that is the nutritional information. So आजकल आपको पता है consumer जो है बहुत intelligent हो चुका है and that is why जो administration है हमारा food का, they have set some certain guidelines जिसको follow करना पड़ता है जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए. They have to फुलफिल सर्टन रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि उनको न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट देनी पड़ती है, उनको न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, दे हैव टू वेरी क्लियरली टेल कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या उसके अंदर क्या क्या एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स जा रहे हैं, सो दैट अ कस्टमर शुड नो. ऑल दीज गाइडलाइंस हैव बीन लेड बाय द फूड एडमिनिस्ट्रेशन सो दैट हमारा कंज्यूमर जो है दे गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग एंड दे नो वॉट दे आर पुटिंग इन द माउथ. ऐसे ही मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी डिफरेंट आइटम्स का वेर इन यू कैन अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से. सो जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है वो सनड्रॉप का पीनट बटर है. एज यू कैन सी इसके अंदर जो है हम सबसे पहले क्या चेक करने वाले हैं वो है हमारी इंग्रीडियंट लिस्ट. सो इंग्रीडियंट लिस्ट पे हम देखते हैं विच इज roasted peanuts. As I told you, first thing should be the stuff they are claiming to give, and then it has second ingredient is sugar. So now you know ki peanut butter jo hai ye wala sirf peanut se nahi bana hai, it is also made up of a lot of sugar. And the third one is stabilizer. So as I told you ki first three ingredients mein wo aana chahiye. Now the second point is agar us ingredient list mein, first three ingredient list mein wo aa jata hai, that means the product is healthy. No, read the second ingredient, it is loaded with sugar. Ab hamari baat aati hai second point pe, that is the nutritional information. So ab hum iski nutritional qualification dekhte hain, jaise ki 30 grams that is 2 tablespoon, इसके अंदर 193 कैलोरीज हैं, 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 6 ग्राम्स ऑफ कार्ब, इट हैज 2.8 ग्राम्स ऑफ शुगर, 1.6 ग्राम ऑफ डाइट्री फाइबर, 15 ग्राम्स फैट. सो एज यू कैन सी इट इज नॉट जस्ट मेड अप ऑफ नेचुरल पीनट्स, इट हैज एडिशन ऑफ शुगर एज वेल एज अदर इंग्रीडियंट्स इन इट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन हाई प्रोटीन पीनट बटर जो मुझे मार्केट में मिला था. ऑल्दो आई एम नॉट बॉट दीज प्रोडक्ट्स, आई हैव जस्ट रिकॉर्डेड द वीडियो सो दैट आई कैन शो यू एंड आई एम शेयरिंग द वीडियो राइट ऑन द साइड. सो अब ये हाई प्रोटीन पीनट बटर है, तो अगर आप में और मेरे में से कोई ऐसा बंदा है जो जिम जाता है और मे बी जिम नहीं भी जाता, वो कहता है कि मुझे प्रोटीन जो है ज्यादा चाहिए अपनी बॉडी के लिए, एवरीबडी इज यू नो रनिंग फॉर प्रोटीन नाउडेज, सो दे मे फॉल फॉर दिस.
सो इफ यू आर अ गुड कंज्यूमर हु अंडरस्टैंड कि मुझे क्या देखना है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. अब आप देख सकते हैं इसके अंदर उसने बोला है कि फ्रॉम द रेगुलर पीनट बटर्स इट कंटेन्स 30% मोर प्रोटीन. द फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि पीनट्स में जितना प्रोटीन है उतना ही प्रोटीन है. जितना ये पीनट्स यूज करके बटर बनाएंगे उतना ही और ब्रांड्स बनाएंगे. सो नाउ हाउ इट इज क्लेमिंग टू हैव एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रोटीन. सो इन ऑर्डर टू फाइंड दैट यू नो अ लॉट ऑफ पीपल आर सोल्ड बाय द पैकेज ओनली कि इसके अंदर ज्यादा प्रोटीन है इसमें कम है तो लेट्स गो. सम पीपल आर यू नो स्मार्ट इनफ टू कंपेयर कि हाँ इसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन है इसमें 12 ग्राम है, चलो इसके अंदर 12 है तो ये लेके चलते हैं. बट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू रीड द इनग्रीडियंट लिस्ट विच इज नाउ हेयर इट कम्स. रोस्टेड पीनट्स हैं, ओके. द फर्स्ट इन्ग्रीडियंट में पीनट्स आ रहा है विच इज वेरी गुड. द सेकेंड इन्ग्रीडियंट इज पी प्रोटीन आइसोलेट. दैट मीन्स दिस पीनट बटर हैज प्रोटीन पाउडर इन इट. सो दैट इज हाउ इट इज हाई इन प्रोटीन. सो इफ यू आर सम और इफ यू आर समबडी हु इज गोइंग टू गिव इट टू योर किड्स, it is very important that you understand that it has a protein powder in it. And then it has honey, it has some other Brahmi, MCT and palm fruit. But again, it has certain amounts of oils in it, which I feel is not needed to be added in any kind of nut butter because nut butters ka apna khud ka ek oil hota hai. And then on the side, it claims ki ye jo hai healthy. हेल्दी हार्ट रखने के लिए एक्टिव लाइफस्टाइल और वेट मैनेजमेंट की जो उन लोगों को जरूरत है उन्हीं के लिए सूटेबल है. बिकॉज दे हैव टू क्लेम दीज थिंग्स बिकॉज देन ओनली दे विल बी एबल टू जस्टिफाई व्हाई दे हैव एडेड आइसोलेट पी प्रोटीन इन इट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट बी यूजिंग प्रोटीन अदरवाइज. बट या इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि आपके इन्ग्रीडियंट्स में क्या क्या जा रहा है और आप क्या खा रहे हैं सो दैट यू कैन मेक द राइट डिसीजन ऑफ बाइंग द राइट फूड्स. In the similar way, I found this Pro Kids, which is a healthy drink by Health Card for kids. So it states कि ये better immunity, brain function और healthy growth के लिए help करता है. And let's dive into the ingredients. Before that, I would want you to know कि इसके अंदर जो हैं, they are telling कि healthy growth कैसे होती है because it is rich in proteins. Okay, just remember this point. It is rich in protein. As well as vitamin B complex, vitamin E as well as etc. Then it is helpful in brain development. कैसे? Because it has DHA. Advantage है इसके अंदर DHA का. इसमें iron and iodine है. If I was you, like मुझे नहीं पता होती, knowledge नहीं होती कि कैसे मुझे ingredient list check करनी है, कैसे मुझे उसका जो है देखना है कि what all they are putting inside, I would be sold. मैं इसको पढ़ के कि हाँ ये मेरे बच्चे के लिए हेल्दी है, आई शुड बाय इट एंड आई शुड गिव इट. पीपल वी आर स्मार्ट कंज्यूमर्स, वी आर गोइंग टू सी व्हाट ऑल दे आर पुटिंग इन दिस. सो लेट्स गो अहेड. सो अब हम देखते हैं इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट. इसके इंग्रेडिएंट्स में उसने लिखा है इट हैज इंग्रेडिएंट एज प्रोटीन. द वेरी फर्स्ट इंग्रेडिएंट विच वेरी स्मार्टली दे हैव पुट इज प्रोटीन, स्किम मिल्क वे प्रोटीन. सो बहुत क्लियरली ये स्टेट कर रहा है कि ये वे प्रोटीन से बना हुआ है. सेकेंड इंग्रेडिएंट है शुगर, फ्रक्टोज, कोको पाउडर, मिनरल्स एंड विटामिंस, वेजिटेरियन समथिंग, एल्गे, डीएचए, टॉरिन एंड एल कार्निटिन. सो अब ये सारी चीजें अगर मुझे इंडिविजुअली कोई कहे या मैं किसी को कहूँ एज अ सप्लीमेंट्स लेना है, लोग भाग जाएंगे. और इवन समबडी टेल्स मी कि मुझे ये सप्लीमेंट्स अपने बच्चे को देने हैं राइट फ्रॉम द यंग एज, आई विल नेवर गिव इट. सो लेट्स गो टू इट्स न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें वो बता रहा है कि एक सर्विंग विच इज 30 ग्राम, जिसके अंदर 106 कैलोरीज है, प्रोटीन 6 ग्राम्स है एंड कार्बोहाइड्रेट्स 19.5 ग्राम्स है. सो अगर 30 ग्राम के स्कूप में मेरे को 20 ग्राम्स अप्रॉक्स कार्ब्स मिल रहे हैं तो कैसे वो हाई इन प्रोटीन है, प्लीज कोई मुझे समझाए. And then even if it has isolate in it, it is only giving you 6 grams of protein in 30 grams. Again, it has added sugar, which is 5.4 grams, which is, you know, a lot of sugar going in your milk. Dietary fiber 1.5 grams hai, no big deal. And then fat jo hai, wo, which is 4.5 grams of fat in it. सो अब आप देख सकते हैं इसके अलावा जो भी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है विच इज ऑल एडेड विटामिन्स,
न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर ओमेगास ऐड किए गए हैं, डीएचए ऐड किए गए हैं, दीज आर ऑल सप्लीमेंट्स विच हैव बीन एडेड इन दिस यू नो पाउडर and which is claiming to be healthy and a lot of you might already be using it. A lot of you may go in the market and purchase it right away because of the fact what it is stating on the front of its container. So that is how I want you guys to be aware of the things that you're purchasing and I want you guys to learn ki kis tarah se aap healthy stuff ko khareed sakte hain by understanding what are the things that you should look into when buying certain things. Hope ye informational video aapko help karegi to pick and choose the products which are healthier for you, your kids, your family and I hope you like this video and if you do not forget to subscribe to my channel and also please share my channel with other friends and family members so that they can also take advantage of all the good information that I'm putting out for you guys. Thank you so much. So until next time, bye bye.